बरेली की बहेड़ी में पुलिस का सम्मान किया गया। महिलाओं और बच्चों ने छतों पर से फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं सभासदों ने माला पहनाई। दरअसल कोरोना वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन को लागू कर दिया है, जिसमें पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, वहीं आज से 19 दिन का दूसरा लॉकडाउन भी चालू हो गया, जिसमें सफाई कर्मचारी और पुलिस प्रशासन अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जिसमें बहेड़ी के इस्लाम नगर के सभासद और महिलाओं और बच्चों ने अपनी अपनी छतों से फूल बरसाकर पुलिस का स्वागत किया। वहीं सभासद मोहम्मद आसिफ, दिलदार अहमद आदि लोगों ने सीओ बहेड़ी, इंस्पेक्टर बहेड़ी, अन्य सभी पुलिस कर्मचारियों को भी माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की और आवश्यक काम होने पर घरों से मास्क लगाकर निकलने को कहा। तरीके से ये महामारी चली आ रही है हमारे पूरे देश में, और इस देश में जो हमारे सिपाही के जो फौज का काम कर रहे हैं, वो हमारी प्रशासन है, डॉक्टर है, सफाई कर्मी हैं, ये लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। जिस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, रात में दिन में लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए लगा कि ये लोग बड़ी प्रशासन बड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहेड़ी में हमारा कोई पेशेंट नहीं है कोरोना का, कोई भी अभी तक ऐसा वो नहीं हुआ। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच भी हो रही है, प्रशासन उनको बड़े बढ़िया तरीके से उनकी जांच भी करा रहा है और उनका बड़ा सही रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है सारा मामला। उसको देखते हुए हम लोगों को लगा, हमारे मोहल्ले वालों को, वार्ड वालों को, हमारे वकील भाई हैं, शाद भाई हैं, यामीन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ हमारे वार्ड में, इन लोगों का हुआ ये मन कि प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप जो है पुलिस और पत्रकारों का सम्मान करा जाए, इसमें जो है इनका सम्मान किया जाए। तो इसलिए हम लोगों को लगा आज का जो हमारे बॉर्डर की जो सिपाही होते थे, उस बॉर्डर के सिपाहियों से बेहतर और अच्छा ये प्रशासन भी काम कर रहा है कि हर घर, हर जगह, हर मोहल्ले को अपने हिसाब से देख के, इसलिए हमने इन लोगों का स्वागत किया।